हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पार्ट 3, जिसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर मैंने आपको NaCl और NaOH के बारे में बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड के बारे में। आज अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर का मतलब, ब्लीच का मतलब धोना और पाउडर का मतलब धोने वाला पाउडर, यानी कि पानी को जो पाउडर वॉश करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग अपने घरों के अंदर यूज़ करते हैं, अमूमन आप लोग करते हो, ठीक है। जब बरसात का पानी अभी इकट्ठा हो रहा है घरों के अंदर, तो टैंक के अंदर अपन लोगों के जो कचरा बन जाता है, उस कचरे को वापस प्योर करने के लिए अपन लोग उसमें क्या डाल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, जिससे पूरी की पूरी इंप्योरिटीज़ और बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, और उसके बाद वाटर वापस क्या हो जाता है, प्योर। तो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, इसका साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। सी ए का मतलब कैल्शियम, ओ का मतलब ऑक्सी और सी एल का मतलब क्लोराइड। क्या नाम है, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ध्यान रह जाएगा आप लोगों को, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका नेम हो गया। अब इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इसका ध्यान रखना आपको, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का सिंपल सा इसका मैन्युफैक्चरिंग है, और इसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको ध्यान रखना, जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस को फ्लो करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताया था आपको मैंने, एक तरह का वीक बेस है, इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम लोग क्लोरीन गैस को फ्लो करते हैं, तो हमारे पास बनता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होती है जो वाटर की फॉर्म में आ जाती है, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ध्यान रह जाएगा ये इसका मैन्युफैक्चरिंग। तीन चीज़ें याद रखने को बोला था, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड यूजेज, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान रख के आपको देखना है इसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, नाम ध्यान रखना कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका नाम है, ठीक है। सेकंड चीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी देखो, ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस है जो लाइट येलो कलर का होता है, कैसा होता है, लाइट येलो कलर का होता है। बाकी वाले सारे सब्सटेंस कैसे थे, वाइट थे, ये क्या है, लाइट येलो कलर का होता है। ये भी सॉलिड सब्सटेंस होता है, ये भी क्रिस्टल टाइप का होता है, और ये स्मूथ होता है, चिकना होता है, स्मूथ होता है थोड़ा, ठीक है ना, चिकना टाइप का होता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ये भी इजीली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, इजीली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर क्या होता है, ये इजीली सॉल्युबल होता है, कोल्ड वाटर के अंदर भी ये सॉल्युबल होता है, ठंडे पानी में भी अगर आप इसको इजीली मिक्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इजीली मिक्स हो जाएगा। लाइट येलो कलर का सॉलिड क्रिस्टल सब्सटेंस होता है, दूसरी चीज स्मूथ होता है, तीसरा इजीली सॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर के अंदर क्या होगा, इजीली सॉल्युबल होगा, और चौथी चीज ध्यान रखना है, फोर्थ थिंग ध्यान रखना, ये क्लोरीन गैस को रिमूव करता है। जब हम लोग इसको क्या करते हैं, वाटर में सॉल्युबल करवाते हैं, तो इसमें से क्लोरीन गैस लिब्रेट होती है, बाहर की साइड में निकलती है, ध्यान रह जाएगा सिंपल सा आपको, नाम याद रखना इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच का मतलब धोना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस को फ्लो करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, साथ में क्या निकलती है, वाटर निकलता है। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये लाइट येलो कलर का सॉलिड और क्रिस्टल सब्सटेंस होता है, स्मूथ होता है, इजीली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में भी इजीली सॉल्युबल है, और क्लोरीन गैस रिमूव करता है जब ये रिएक्शन करता है, तो क्लोरीन गैस इसमें से क्या होती है, निकलती है, ठीक है। जब भी रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन गैस क्या होगी, इसमें से लिब्रेट होगी। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके यूजेस की, इसके क्या यूजेस हैं। तो फर्स्ट यूज अभी मैंने बताया, इसका नाम ही ब्लीचिंग पाउडर है, तो ये प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर के प्योरिफिकेशन में काम आता है, वाटर के अंदर से बैक्टीरियाज वगैरह को किल करने के ये काम आता है। तो फर्स्ट यूज़ क्या हो गया इसका, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्योर करने में इसका मेन रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ब्लीचिंग एजेंट एज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है हमारी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, यानी कि जहाँ पर टाइलें वगैरह बनती है, सैनिटरी वगैरह बनता है, उसके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ये एक तरह का प्रोडक्ट्स यूज़ होता है, जिससे क्या करते हैं उस इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज के अंदर ब्लीचिंग के काम में लेते हैं, साफ सफाई के काम में इसको लिया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। नेक्स्ट होता है प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तीसरा होता है इंसेक्टिसाइड्स एंड ऑक्सीडेंट एजेंट के रूप में भी काम में लेते हैं। इंसेक्टिसाइड्स का मतलब होता है कीड़ों को मारने वाली दवाई, तो सिंपल सी बात है ये बैक्टीरियाज को किल करता है, इसीलिए इंसेक्टिसाइड्स के रूप में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में इसका यूज़ होता है। लेबोरेटरी रिएजेंट के अंदर आप हर एक ऑब्जेक्ट का यूज़ लिख सकते हो, क्योंकि जितने भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ये सारी केमिकल चीज़ें हैं और केमिकल चीज़ों को हम लोग लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? सिंपल सा आप लोगों को देखो एक बार वापस रिवाइंड करवा, बहुत सिंपल से पढ़ना है। नाम है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, सोडियम सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस को फ्लो करवाते हैं तो ये बनता है। ये लाइट येलो कलर का सॉलिड और क्रिस्टल सब्सटेंस होता है, इजीली सॉल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में, क्लोरीन गैस को रिमूव करता है, स्मूथ होता है, ठीक है। इसका यूजेस में ये वाटर के प्योरिफिकेशन में यूज़ होता है, ठीक है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ब्लीचिंग के रूप में यूज़ होता है। पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ये ब्लीचिंग के रूप में यूज़ होता है। पेपर इंडस्ट्रीज़ का मतलब अपने पास जो पेपर्स होते हैं इसको रफ़ होने के बाद हम लोग वापस सेल करते हैं, सेल करने के बाद जब इनको वापस क्या किया जाता है कि रीयूज़ लिया जाता है, तब इसके ऊपर की इंक को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेबोरेटरी रिएजेंट इसका फाइनल यूज़ ऑब्वियसली होता ही है। नेक्स्ट अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं बेकिंग सोडा को, किसको डिस्कस कर रहे हैं, बेकिंग सोडा को। तो बेकिंग सोडा होता है ये किससे बनता है, तो ध्यान रखना है बेकिंग सोडा वो बनेगा, उसमें बेकिंग सोडा के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले। तो मैन्युफैक्चरिंग में मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी लास्ट वाली क्लास में, कल भी हमने आपको बताया था कि ये जो है ये सारी चीज़ें बनेगी किससे हमारे पास में, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बनेगी वो बनेगी NaCl से। अब NaCl के अंदर अगर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिक्स कर दें, क्या मिक्स कर दें, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये तीनों चीज़ें जब अपन लोग मिक्स कर दें तो इन तीनों के मिक्स करने से हमको क्या मिलेगा, NaHCO3, साथ में मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर? तो सिंपल सा ध्यान रखना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम क्लोराइड के रूप में हम लोग इसको कौन मिलेंगे, सॉरी अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो यहाँ क्लोरीन है इसलिए अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन चारों चीज़ों को जब मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ढोकले वगैरह बनाते हैं घर पे हम लोग, उसके अंदर सोडा डालते हैं हम लोग, सोडा ऑफ फूड बोलते हैं इसको, ठीक है, सोडा ऑफ फूड बोलते हैं इसको अपन लोग, ये खाने का सोडा है, इसको अपन लोग यूज़ करते हैं। नाम है देखो इसका बेकिंग सोडा, इसका केमिकल नेम ध्यान रखना है, Na का मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन, CO3 का मतलब कार्बोनेट, पूरा नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। बेकिंग का मतलब गर्म करना, गर्म करने का मतलब फुलाने का काम करेगा, सोडा ऑफ फूड इसका दूसरा नाम है, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाम बेकिंग सोडा, दूसरा नाम सोडा ऑफ फूड, मैन्युफैक्चरिंग NaCl में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिक्स करने पर बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ में अमोनियम क्लोराइड रिलीज होता है। याद रह जाएगा सिंपल सा, ध्यान रखना आपको। इसकी प्रॉपर्टीज देखो, इट इज़ वाइट क्रिस्टल, ये भी क्या है एक तरह का वाइट क्रिस्टल सॉलिड, तीन चीज़ें तो कॉमन ही है सब में, सिर्फ इसमें येलो है, बाकी सब में वाइट क्रिस्टल और सॉलिड तो आपको लिखना ही लिखना है। अब दूसरी चीज़, अभी तक आपने पढ़ा कि सारी चीज़ें इजीली सॉल्यूबल है, तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, ये लेस सॉल्यूबल होता है, लेस सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये कम मात्रा में सोल्यूबल होता है, यानी इजिली सोल्यूबल नहीं होता है, इस चीज़ का आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। और तीसरा, इसका जो एक्वस सोल्यूशन होगा वो बेसिक बनेगा, एक्वस सोल्यूशन तो सब लोग अच्छे से जानते हो ना, एक्वस सोल्यूशन का मीनिंग क्या बताया, उस चीज़ को वाटर के साथ मिला के मिक्स कर दो, जो सोल्यूशन बनेगा उसको एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे, और जो इसका एक्वस सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। बेसिक क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक तरह का बेस प्रेजेंट है, कौन सा बेस प्रेजेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और
इसी की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है लगभग इसके अप्रोक्सीमेट, इसीलिए ये कैसा होता है बेसिक कंडीशन के अंदर होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक एजेंट है, इसीलिए इसको क्या किया जा सकता है, हीटिंग करने पर हम लोग इसको आग बुझाने के टाइप में भी होता है ये, तो ये एक तरह का किसका एजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का एजेंट के रूप में भी काम करता है। इज दैट क्लियर, प्रॉपर्टीज ध्यान रह जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी, वाइट क्रिस्टल सॉलिड होता है, लेस सोल्यूबल इन वाटर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये लेस सोल्यूबल है और यहाँ ये येलो कलर का है, इसीलिए दोनों को साथ साथ लिखा है, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन बेसिक होता है और इसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, इसीलिए डाइऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, गर्म करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। इज दैट क्लियर, हो जाएगा सिंपल सा, समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं इसके यूजेस, इसके यूजेस की बात करें तो सबसे पहला यूजेस बेकरी के अंदर होता है इसका। बेकरी मतलब ऐसी जगह जहां पे केक पेस्ट्रीज वगैरह बनाई जाती है, बेकरीज, तो इसका बेकिंग के अंदर यूज होता है। तो जो बेकिंग होती है वहां पे, बेकरी के अंदर क्या होती है, बेकिंग, बेकिंग का मतलब पकाना फुलाना, तो उन चीजों में इसका यूज होता है, बेकरी के अंदर केक पेस्ट्रीज बनाने में फर्स्ट यूज। दूसरा, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें आपको पता है सोडा मिक्स आता है, ठीक है, सोडा वाटर बनाने में भी इसका यूज होता है, यही सोडा वाटर इसी से मिलके बनता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर इसका यूजेस किया जाता है, ठीक है। मिल्ड एंटीसेप्टिक्स के रूप में, कुछ ऐसी एंटीसेप्टिक्स आती है जिनको मिल्ड करना होता है, मिलाना होता है, उसके रूप में भी इसका यूज होता है। फायर एग्जिस्टेंस के रूप में इसका यूज होता है, फायर एग्जिस्टेंस समझते हो ना, जब आग लग जाती है तो आग बुझाने वाली जो गाड़ियां आती है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर, सिंपल सा आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अच्छे से याद रह जाएगा ये चीज आपको, ये प्रोसीजर आपको अच्छे से कंप्लीटली क्लियर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग आगे देख रहे हैं वॉशिंग सोडा। तो देखो वॉशिंग सोडा मैं इसके साथ ही आपके ले रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर रहेगा। देखो दो तरह के सोडा आपने पढ़े, सबसे पहला बेकिंग सोडा, ठीक है, अब दूसरा पढ़ेंगे अपन लोग इधर वॉशिंग सोडा। तो देखो वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडे का मतलब धोने वाला, याद रखना, ईटिंग का मतलब बनाने वाला और वॉशिंग का मतलब धोने वाला, फॉर्मूला दोनों का मिलता जुलता है, अच्छे से ध्यान रखना, Na2CO3.10H2O, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। देखो फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 Na2CO3, बीच में जब H आ जाता है तो वो चीज खाने के काम आती है और जब H रिमूव हो जाता है तो वो चीज धोने के काम आती है, ठीक है। जब बीच में H आएगा तो वो खाने के काम आएगी और जब H रिमूव हो जाएगा तो धोने के काम आएगी, इसका नाम क्या है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। सोडा क्या है, वॉशिंग का, यानी वॉशिंग करने वाला सोडा है ये, ठीक है। इसका मैन्युफैक्चरिंग आपको ध्यान रखना है, इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सिंपल सा, क्या होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से, गर्म करने से, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसी को जब हम लोग गर्म करते हैं, इसी को जब गर्म करते हैं तो इसमें से क्या मिल जाएगा हमको, सोडियम कार्बोनेट अलग और वाटर अलग निकल जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में, सोडियम कार्बोनेट अलग और वाटर अलग से रिमूव हो जाएगा, और साथ में इसको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, तो वो तो आप लोग लिख ही सकते हो कि साथ में क्या निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर, मैन्युफैक्चरिंग, देखो ये जो चीज़ें मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पाँचों टॉपिक में से एक टॉपिक हर साल 10th स्टैंडर्ड में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको दिखाया NaCl, फिर हमने देखा NaOH, दो चीजें पढ़ी थी। उसके बाद आज अपन लोगों ने जो डिस्कस किया है वो था एक तो ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद में पढ़ा हमने बेकिंग सोडा, अभी हम पढ़ रहे हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। इन सारी चीजों को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। तो देखो फोकस करना यहां पे, Na2CO3.10H2O फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का, मैन्युफैक्चरिंग आपके सामने ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं अपन लोग, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग इसका यहाँ हो रखा है। नेक्स्ट अगर अपन लोगों को ध्यान देना है तो हम किसके बारे में ध्यान देते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे सामने, तो देखो वही फर्स्ट प्रॉपर्टी तो कॉमन है कि ये भी वाइट होता है, सॉलिड होता है और क्रिस्टल होता है। सेकंड चीज, ये सॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है, सॉल्यूबल
इन वाटर, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, ठीक है, ये वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और इसका भी एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन जो इसका होता है वो इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है, यानी बेस होता है, क्योंकि इससे मिलके बना हुआ है, तो ये भी एक तरह का क्या है, बेस है, एक्वस सॉल्यूशन इसका भी बेसिक होता है। और इसके अंदर क्रिस्टलाइन एजेंट्स के रूप में क्या पाए जाते हैं, Na2 और CO3, यानी सोडा एस बनती है इससे। सोडा एस का मतलब जब इसको गर्म करोगे तो ये भी एक तरह का सोडा के रूप में काम करेगा, ठीक है, जो धोने का सोडा होगा, याद रह जाएगा। उसके बाद यूजेस, तो इसके यूजेस देखो, यूज तो बहुत सिंपल सा वापस हो गया, देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग का मतलब धोने वाला, और ये धोएगा तो सिंपल सा, पहला यूज क्या हो गया, सोप एंड डिटर्जेंट के अंदर, ये क्या करेगा, साफ सफाई का काम। दूसरा, सैनिटरी प्रोडक्ट्स को साफ करने के लिए, सैनिटरी का जो भी सामान आएगा वो सारा साफ सफाई किससे होगा, इसी से होगा, ठीक है। तो सबसे पहला वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स एंड एनीथिंग्स, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को बनाने के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है। ग्लास, जो ग्लास आते हैं, ठीक है, और जो बेसिस होते हैं, सोप होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, उनको बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। फिर पेपर है, पेंट इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, वहां पर भी इसका यूज होता है क्लीनिंग के रूप में, और लेबोरेटरी रिएजेंट में तो ये यूज होता ही होता है। अच्छे से इन पांचों को वापस देखना, कंसीडर करना, और इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछना, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।